वेलकम टू बैक माई न्यू वीडियो तो आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि अपने मोबाइल फोन से अपने फोटो के साथ या फिर किसी के भी फोटो के साथ कुछ इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो कैसे एडिट किया जाता है कैसे बनाया जाता है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज होने वाली है इसीलिए आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी बकवास के आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं उससे पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए मेरा नाम है घनश्याम और स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल घन में और हाँ दोस्तों अगर आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हो तो कर लीजिएगा यूजर ने घनश्याम जी वन टू थ्री या फिर तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ क्योंकि हमेशा मैं आप लोगों से वहां पर बात करता ही रहता हूँ और जो मेटेरियल आपके पास नहीं होता है वो मैं आपके पास भेज देता हूँ तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर तो दोस्तों फाइनली मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूँ तो सबसे पहले आप लोग को एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ जाएगा जिसका नाम है कैन मास्टर है तो वो आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर नहीं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद सिंपली ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस वाला आइकन दिखाई दे, दे देगा क्रिएट न्यू का उस पर क्लिक कर देना है उसके बाद नाइन बाई सिक्सटीन वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है और थोड़ा सा नीचे देना थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा नीचे आने के बाद दोस्तों बीच वाले ऑप्शन फिल को सेलेक्ट कर लेना है नीचे में फाइव पॉइंट फाइव को रख लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना जिन जिन फोटो के साथ स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो उन सारे फ़ोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद ऊपर से कट कर देना है शुरुआत में आ जाना है सबसे पहले वाले फ़ोटो पर क्लिक करके सबसे पहले अपने फ़ोटो के विगनेट को ऑन कर देना है और दोस्तों अगर आपका फोटो यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से फिट ना हो एडजस्ट ना हो तो उसके लिए सिंपली आप लोग को ऊपर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डबल लाइनिंग वाले ऑप्शन पर एक बार टैप करके यहाँ पर दोनों उंगली से खींच करके अपने फ़ोटो को पूरे अच्छे तरीके से पर आप, आप लोग को फ़िट कर लेना एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से उसके बाद ऊपर से सही कर देना है अगले वाले फ़ोटो पर क्लिक करके इसके भी विगनेट को ऑन कर देना है और अगर आपका ये फ़ोटो भी अच्छे तरीके से एडजस्ट ना हो तो आप लोग को इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और डबल लाइनिंग वाले ऑप्शन पर एक बार टैप करके यहाँ पर भी आप लोग को दोनों उंगली से खींच करके पूरे अच्छे तरीके से अपने फोटो को फिट कर लेना है पूरे अच्छे तरीके से उसके बाद दोस्तों ऊपर से सही कर देना है अगले वाले फ़ोटो पर क्लिक करके इसके भी विगनेट को ऑन कर देना है और दोस्तों इसी प्रकार से आप जितने भी फोटो को ऐड किए होंगे सारे फ़ोटो के विगनेट को ऑन कर दीजिएगा और जो फोटो अच्छे तरीके से फिट ना हो उस वाले फ़ोटो को यहाँ पर अच्छे तरीके से फिट कर लीजिएगा उसके बाद ऊपर से सही कर देना है शुरुआत में आ जाना है सबसे पहले वाले फ़ोटो पर क्लिक करके सबसे पहले इसके एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके सिचुएसन को आप लोग को बढ़ा देना है थोड़ा सा दोस्तों तो यहाँ पर मैं इसकी सिचुएशन को प्लस फिफ्टीन परसेंट बढ़ा देता हूँ आप अपने हिसाब से बढ़ा दीजिएगा इसके कॉन्टेस्ट को भी यहाँ पर प्लस फिफ्टीन मैं बढ़ा देता हूँ आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा उसके बाद सिंपली आप लोग को पूरे नीचे में चलेना है पूरे नीचे और अप्लाई टू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ से बैक चलाना है बैक आने के बाद क्लिप ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर मैं एक इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ तो अगर आपके कैन मास्टर में ये ओवरऑल एनिमेशन टू वाले इफेक्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को बता दूंगा कि कैसे आप लोग भी ये ओवरऑल एनिमेशन टू वाले इफेक्ट को डाउनलोड करके अपने कैन मास्टर में भी ऐड कर सकते हो उसके बाद दोस्तों इस ओवरऑल एनिमेशन वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा नीचे आ जाना है नीचे दोस्तों यहाँ पर आप लोग को जो ये ट्वेल्व बारह नंबर का जो इफेक्ट मिल जाएगा इस पर क्लिक करना है और ऊपर से सही कर देना है अगले वाले फ़ोटो पर क्लिक करके यहाँ पर भी क्लिप ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऑवरल एनिमेशन टू वाले इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर भी बारह वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है बारह नंबर वाले को उसके बाद ऊपर से सही कर देना है इसी प्रकार से आप जितने भी फोटो को ऐड किए होंगे सारे फोटो में आप लोग को ऑवरल एनिमेशन टू में से बारह नंबर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है सारे फ़ोटो पर क्लिक करना है क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है और आउटल एनिमेशन टू वाले इफेक्ट पर क्लिक करके बारह नंबर को यहाँ पर आप लोग को सारे में ऐड कर लेना आप जितने भी फोटो को ऐड किए होंगे सारे फ़ोटो में उसके बाद दोस्तों ऊपर से सय कर देना है शुरुआत में आ जाना है लेफ्ट क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर मैं एक टम्पलेट वीडियो को ऐड कर रहा हूँ वाइट स्क्रीन वाला टेम्पलेट वीडियो को तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया वहाँ से आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर इस वाले टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लीजिएगा उसके बाद दोस्तों सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस पर टैप करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है यहाँ से बैक चलाना है इसके साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस पर टैप करके इसके साउंड को भी यहाँ पर म्यूट कर देना है या फिर नहीं तो इसको यहाँ पर पूरे जीरो पर रख लेना है यहाँ से बैक चलाना है नीचे चलाना है आप लोग को इसके ब्लैंडिंग वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन को सेलेक्ट कर देना है और ऊपर से सही कर देना है और सही करने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा आगे आ जाना है आगे और दोस्तों जहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए पूरे वाइट स्क्रीन हो जाता है आप लोग को वहाँ पर चले जाना है वहाँ पर और अपने फर्स्ट वाले फ़ोटो पर क्लिक करके कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन टीम टू राइट टॉपलेट हेड पर क्लिक कर देना है उसके बाद ऊपर से सही कर देना है फिर से आप लोग को सेकेंड फ़ोटो पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आप लोग को वहाँ पर चले जाना है जहाँ पर पूरे वाइट स्किन हो जाता है वहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार से पूरे क्षेत्र से उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है सेकंड नंबर वाला ऑप्शन टीम टू राइट प्ले हेड पर क्लिक कर देना है ऊपर से सही कर देना है अगले वाले फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर भी आप लोग को इस फोटो के लास्ट में आ जाना है जहाँ पर पूरे व्हाइट स्क्रीन हो जाता है वहाँ पर और कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन टीम टू राइट ऑफ हेड पर क्लिक कर देना है उसके बाद ऊपर से सही कर देना है इससे अगले वाले फ़ोटो पर क्लिक करके यहाँ पर भी आप लोग को फोटो के लास्ट में आ जाना है जहाँ पर व्हाइट स्क्रीन आ जाता है वहाँ पर और कैंची वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सेकंड नंबर वाला ऑप्शन टिम टू डाई टॉप पर पर क्लिक कर देना है उसके बाद ऊपर से सही कर देना है लास्ट वाले फ़ोटो पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग को फिर से यहाँ पर भी लास्ट में आ जाना है और दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर वाइट स्क्रीन आ जाता है उससे थोड़ा सा पहले ही रहना है थोड़ा सा पहले और कैंची वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन टिम टू डाई टॉप पर पर क्लिक कर देना है उसके बाद ऊपर से सही कर देना है शुरुआत में आ जाना है लेप पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर मैं एक लाइटिंग वाला टम्पलेट वीडियो को ऐड कर रहा हूँ तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ वहाँ से आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर इस वाले लाइटिंग टम्पलेट वीडियो को ऐड कर लीजिएगा उसके बाद दोस्तों सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस पर टैप करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है यहाँ से बैक चलाना है इसके भी साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस पर टैप करके इसके भी साउंड को म्यूट कर देना है उसके बाद फिर से बैक चलाना है नीचे चलाना है आप लोग को इसके ब्लेंडिंग वे ऑप्शन पर और यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन को सेलेक्ट कर देना है फिर से बैक चलाना है और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो लाइटिंग टम्पलेट वीडियो है इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है तो सिंपली आप लोग को थ्री डॉट पर क्लिक करना है और इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है उसके बाद दोस्तों इस डुप्लीकेट को दबा करके खींच करके के यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर लेकर के आ जाना है यहाँ पर इससे आगे उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को ऊपर से सही कर देना है सही करने के बाद एक बार आप लोग को अपनी इस वाइट स्किन वाला टेम्पलेट वीडियो पर क्लिक करना है थे डॉट पर क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है उसके बाद ऊपर से सही कर देना है शुरुआत में आ जाना है लेफ्ट पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर मैं एक रेन ड्रॉप वाला टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर रहा हूँ तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ वहाँ से आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर इस रेन ड्रॉप वाला टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लीजिएगा उसके बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर भी इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस पर टैप करके इसको भी फुल स्क्रीन कर देना है यहाँ से बैक चलाना है इसके भी साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस पर टैप करके इसके भी साउंड को म्यूट कर देना है उसके बाद फिर से बैक चलाना है नीचे चलाना है आप लोग को इसके भी ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर भी आप लोग को स्क्रीन को सेलेक्ट कर देना है फिर से बैक चलाना है थ्री डॉट पर क्लिक करके इसका एक और डुप्लीकेट आप लोग को बना लेना है उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को ऊपर से सही कर देना है सही करने के बाद सिंपली फिर से शुरुआत में आ जाना है लेप पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर मैं एक लिरिक्स टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर रहा हूँ तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया वहाँ से आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर इस वाले लिरिक्स टम्पलेट वीडियो को ऐड कर लीजिएगा उसके बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को नीचे चलाना है इसके ब्लैंडिंग वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आप लोग को का ऑप्शन दिखाई दे देगा थ्री नंबर में तो मल्टीप्ले पर क्लिक कर देना है अपने लेटम्प्लेट वीडियो को नीचे में रखना है यहाँ पर और इसके साइज को यहाँ पर आप लोग को अपने हिसाब से पूरे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है पूरे अच्छे तरीके से पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर इसके साइज़ को यहाँ पर आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है उसके बाद ऊपर से सही कर देना है सही करने के बाद फाइनली आपका स्टेटस वीडियो बनकर के तैयार हो जाएगा तो चलिए मैं आप लोग को एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पर आप अपने फोटो के साथ या फिर किसी के भी फोटो के साथ इसी प्रकार से ज़्यादा देर तक का भी स्टेटस वीडियो बना सकते हो और उस स्टेटस वीडियो में आप जिस भी लिरिक्स टम्पलेट वीडियो को ऐड करना चाहो जिस भी गाने को ऐड करना चाहो उस गाने उस लिरिक्स टम्पलेट वीडियो को ऐड कर सकते हो उसके बाद दोस्तों इस स्टेटस वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करने के लिए आप लोग को शेयर वाले आइकन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर क्वालिटी में सात सौ बीस पर या फिर नहीं तो दस सौ अस्सी पे को सेलेक्ट कर लेना है फ्रेम रेट में थर्टी को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप लोग को इसको अपने हिसाब से रख लेना है यहाँ पर या फिर नहीं तो फुल और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को कुछ देर वेट कर लेना है कुछ देर के बाद आपका ये वीडियो एक्सपर्ट होकर के आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगा उसके बाद आपका मन जहाँ पर होता है वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कीजिए जहाँ पर स्टेटस में मन होता है वहाँ पर स्टेटस में इस वीडियो को लगा लीजिए तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि कैसे आप लोग भी ये ओवरऑल एनिमेशन टू वाले इफेक्ट को डाउनलोड करके अपने कैन मास्टर में भी ऐड कर सकते हो तो इस वाले इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के डाटा को ऑन कर लेना है उसके बाद गेट मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है थोड़ा सा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और नीचे में यहाँ पर आप लोग को ऑवरल एनिमेशन टू वाला इफेक्ट देखने को मिल जाएगा तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोग इस वाले इफेक्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों मेरे कैन मास्टर में ऑलरेडी ये वाला इफेक्ट डाउनलोड है इसीलिए यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो अगर आपके कैन मास्टर में ये वाला इफेक्ट डाउनलोड नहीं होगा तो यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन शो हो जाएगा जैसे ही आप लोग यहाँ से इस वाले इफेक्ट को डाउनलोड कीजिएगा वैसे ही आपके भी कैन मास्टर में ये वाला इफेक्ट ऐड हो जाएगा तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके को प्रेस करके ऑल पर सेट तो कर ही लीजिएगा क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर इसी तरह के न्यू न्यू नॉलेज इंटरेस्टिंग वीडियो एंड वीडियो, एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता ही रहता हूँ और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो या फिर आपको एडिटिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा मैं आपके मैसेज को पढ़ करके आपको जरूर से जरूर रिप्लाई दे दूंगा तो दोस्तों इंटाग्राम का यूजर ने घनश्याम जी वन टू थ्री या फिर तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ तो जाइए और फॉलो करके मैसेज कीजिएगा तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ किसी और मजेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम